इस फूड व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पानी पूरी का तीखा पानी और मीठा पानी की रेसिपी। इस फेस्टिवल सीजन मेहमानों को बुलाओ और पानी पूरी खिलाओ। लोगों ने मैंने जनरली देखा है कि वो ऐसा बनाएंगे कि वो खाली तीखा बनाते हैं, हम चटपटा बनाते हैं प्लस साथ में उसमें ऐसी चीजें डालते हैं दैट इज गुड फॉर योर डाइजेशन। आपको पानी पूरी खाने से एसिडिटी नहीं होगी बट आपका जो आपका हाजमा मजबूत होगा। तो ये वाली रेसिपी। Hi guys, my name is Mohsin Khan and I'm on the streets of Mumbai and Mumbai में मैं अब हूँ मलाड इलाके में। Let me cross the road first, yeah. So Mumbai में मलाड इलाके में मैं पहुँच चुका हूँ और आप लोगों ने डिमांड किया यार कि आपको एकदम ही यमी यमी पानी पूरी चाहिए। सो पानी पूरी की रेसिपी कवर करने मैं पहुँच चुका हूँ मलाड में एनवायरमेंट मॉल के एकदम ही बगल में बाजू में। यहाँ पे है जैन सब कुछ फूड प्लाजा। यार अगर आप वेजिटेरियन हो और मेरी तरह आपको खाने में सब कुछ पसंद है, दिस इज़ द प्लेस यू गॉट टू बी। ओके, इनकी पानी पूरी और कुछ डिशेज मैं कवर करने वाला हूँ। आप देखते रहें माई काइंड ऑफ प्रोडक्शन। सो गाइज, आई एम इनसाइड जैन सब कुछ फूड प्लाजा एंड यहाँ पे पानी पूरी की रेसिपी कवर करने के लिए मेरे साथ आ चुके हैं। आपका नाम? मनीष कुमार। मनीष, कितने सालों से कुकिंग एक्सपीरियंस है आपका? 8-9 साल। तो मनीष, सबसे पहले हम तीखा पानी बना रहे हैं? जी सर। अच्छा, तीखा पानी कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे, हाँ, है ना? हाँ, और ये क्या क्या सामग्री लग रही है इसके लिए, क्या क्या लगने वाला है, ये क्या क्या है आपका? ये पुदीना दिखाई दे रहा है, हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची है, पुदीना है जी, पुदीना है, काला नमक है, ये काला नमक है जी, और ये इमली है, इमली है सर जी, और ये मसाला है, जीरा मसाला। ये जीरा मसाला है जी। ये मसाला कैसे बनाया, क्या क्या डाल के वो दिखा दो। हाँ तो मनीष, ये मसाला कैसे बनाया आपने? सौंफ, ये सौंफ एक वाटी दिखाई दे रही है मुझे, और ये जीरा है, जीरा एक वाटी है सर। हाँ, ये दोनों भूज के उसको, अच्छा दोनों को भूजना है जी सर, मसाला तैयार करते हैं। ये देखिए, एक वाटी सौंफ, एक वाटी आपने सौंफ और जीरा को भूज के मसाला आपने ग्राइंडर में डाल के ये मसाला तैयार हो जाएगा। तो ये सामग्री अब आपको तीखा मसाला के जी सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये पुदीना एक जुड़ी दिखाई दे रही है, कितना होगा ये? 250 ग्राम। हाँ सर, 250 ग्राम होगा सर। ओके, चलिए स्टार्ट करिए। अच्छा, ये आपने सीधा काट के दाना है और इसको आपने पहले धो लिया है? जी सर, धो साफ करके इसको धो धा के रेडी करके काटते हैं। ये क्या डाला आपने अब? मिर्ची, मनीष, मिर्ची कितनी होगी? 100 ग्राम। अच्छा ओके, अब क्या लेने वाले हो? इमली 100 ग्राम। 100 ग्राम इमली जी, 100 ग्राम आपने इमली डालनी है। फिर 50 ग्राम काला नमक। अच्छा, 50 ग्राम काला नमक। ओके, 50 ग्राम्स काला नमक डालिए 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 आप। ओके, और ये 25 ग्राम मसाला। तकरीबन 25 ग्राम आपको मसाला डालना है। ओके, डाल दीजिए, मतलब आधी वाटी आपने मसाला लिया है। ओके, अब क्या करेंगे आप? पीसेंगे सर इसको जी। ओके, चलिए पीसते हैं। ये अब आप आइस डाल रहे हैं, राइट? ओके, आइस डाल रहा हूँ सर जी। तकरीबन 5 से 6 क्यूब्स आइस डालना है आपको। और ये अब गया, गाइस आई एम इन दी ओपन सेक्शन ऑफ जैन सब कुछ फूड प्लाजा और यहाँ पे अब हमारा जो तीखा पानी है उसके जो मसाला है वो अब बन गया है जी सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुझसे इतने दूर खड़े हैं फिर भी वो जो आपका मसाला है उसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है, मैं बता दूँ मास्क के थ्रू। सो कितना बढ़िया बना होगा आई एम श्योर। चलिए निकालिए। चलिए अब आगे क्या करने वाले देखते हैं। तो मनीष, अब आप क्या करने वाले? पानी तैयार हो गया सर, खाली पानी, ये मसाला तैयार हो गया ना जी सर। ये हमने कितना लीटर पानी के लिए बनाया था? 2 लीटर। 2 लीटर पानी है ना? हाँ। तो ये 2 लीटर, अच्छा ये 2 बॉटल बिस्लेरी की आपने ले ली। चलो ठीक है, स्टार्ट करिए। गाइज, ये भी एक अच्छी बात है कि ये बिस्लेरी का पानी यूज करते हैं और ये जो मसाला हमने बनाया था ये देखिए, आपको फिर ऐसा मिक्सर में डाल देना।
ये एक लीटर ये एग्जैक्ट माप के लीजिएगा, नहीं तो फिर हल्का पड़ जाएगा। ये पानी आपने अब मिक्स करना है जी सर। ये देखिए आपको इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये आपका ऑलमोस्ट तीखा पानी रेडी हो गया है। इसमें और कुछ भी डालने वाले जी? नहीं सर, तैयार हो गया। ये क्या आपके हाथ में? बूंदी सर। अच्छा, ये बूंदी बूंदी वैसे ऊपर डाल सकते हैं? तो हाँ, क्या बात है, वेरी गुड। How's the pani puri and the tikha pani and the meetha pani? Yeah, I really like the tikha pani. Never had the meetha pani because I'm not a sweet fan. It's pretty fresh. You should try. So guys, I am still inside Jain Sab Kuch Food Plaza and tikha jo pani hai wo to humne cover kar liya, Manish ne hame bata diya. Ab hum Manish मीठा चटनी कवर कर रहा है। गाइज मैं आपको बता दूं, बिजी इनका स्केड रहता है और ये पहले से ही प्रिपेयर करते हैं, फिर भी इन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्ट करके मुझे बता रहे हैं सब सामान वामान ला के, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है रेसिपी ऐसी ऑल ऑफ अ सडन बताना। सो चलो मनीष, अब मीठी चटनी के लिए, मीठी चटनी के लिए क्या क्या लगने वाला है देखते हैं। क्या क्या सामान है मनीष? ये सौंफ है, सौंफ लगेगा, जीरा है, जीरा लगेगा, और सॉल्ट पाउडर है। तो तीनों के पीस के मसाला तैयार किया जाता है। अच्छा, ये देखो मैं आपको बता दूँ, ये सॉल्ट है, सॉल्ट का पाउडर है, ये सौंफ है और ये जीरा है। इन दोनों को भूनना होगा जी। और भूनने के बाद इन तीनों की वाटी एक समान मिला के आपको मसाला बनाना है। ये पानी पूरी मसाला बना, तैयार ये मीठा पानी मसाला तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मैं गुड़ भी देख रहा हूँ जी सर। ओके चलो, ये गुड़ है, अब इसको बनाना है। हाँ सर। और साथ में ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आमचूर है सर। ये आमचूर है, सूखा आम जी सर। अच्छा, ये भी लगने वाला है जी सर। तो ये सारी सामग्री लगेगी आपको, बॉईल करके इसको तैयार किया जाएगा। चलो एक बार दिखा दो कैसे बॉईल करना है। ओके मनीष, ये पानी कितना लिया आपने? एक लीटर पानी है सर। अच्छा, एक लीटर पानी है। ओके, इसमें अभी ये सबको उबालना है। क्या डाल रहा हूँ? आम डाल रहा हूँ सर। आम डाल रहा हूँ जी, बॉईल करने के लिए। बॉईल करने के लिए। ओके, ये कितनी मात्रा में होगा? 50 ग्राम। ओके, एक वाटी आपने आम ले। आमचूर अब अखा वाला उबाल के आपने पानी बचा के रखा है जी सर। और अब आप इसमें आमचूर पाउडर डाल रहे हैं जी सर। ओके, आप चाहे तो या तो उबला हुआ आमचूर को भी आप पीस के डाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं जी सर। ये आमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया गया है और वो जो पानी का कलर आया है उसमें आमचूर उबाला गया था एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। गुड़ कितना डालना है तकरीबन? 250 ग्राम सर। 250 ग्राम गुड़ डालना जी सर। ओके, और इसे कितने देर उबालना होगा? पाँच से दस मिनट उबालना है। अच्छा, सो इसे 5 से 10 मिनट अब आपको मीडियम फ्लेम पे उबालना है जी सर, ताकि पानी और अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। पानी पूरी मसाला मिला रहा है जी सर। ओके, मिला गया। इस मसाले में सौंफ भी है, भुना हुआ जीरा भी है, और ये दो मुट्ठी, तीन टेबल स्पून और ये 4 टेबल स्पून आपने ये मसाला जी सर 4 टेबल स्पून मिला दिया और इसे अभी उबालना है जी सर। कितनी देर और उबालना होगा? 5 मिनट बाद। और 5 मिनट उबालना है ताकि आपकी चटनी जो है मीठी वाली और गाढ़ी हो जाए। खजूर से अच्छा आम का चटनी होता है। अच्छा, हाँ खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ये कलर लाने के लिए आपने लाल मिर्च डाला है, लेकिन ये आप अपने तीखे के अनुसार डाल दीजिएगा। ये तीखा जी सर नहीं है, ये जरा भी तीखा नहीं है जी। नहीं, अच्छा, सिर्फ रंग लाने के लिए। चटनी दा रंग वेख के पानी पूरी खाने का मन हुआ डिंग डिंग डिंग। ये कितनी देर उबालना है? अभी तैयार हो गया इसको,
बंद कर देने का है, ठंडा हो जाने का चालू। सो गाइस आई एम इन द ओपन सेक्शन ऑफ जैन सब कुछ एंड यहाँ पे पहले तीखा पानी हमने आपको बताया था, मीठी चटनी ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो गई है ना, ये तो रेडी भी हो गई है, मनीष ने हमें बताया मीठी चटनी। और यहाँ पे देखिए कचाकच यहाँ पे समोसे भी बन रहे हैं, कितने क्या बात है वो देखो, यहाँ पे समोसा बन रहा है, यहाँ जलेबी बन रही है गर्मा गर्म, सब कुछ गर्मा गर्म मिलता है यहाँ पे जैन सब कुछ में, सब कुछ जैन सब कुछ में मिलता है सब कुछ। और यहाँ पे आपको भी मिल गया बहुत कुछ, जी हाँ वो ऐसे, क्योंकि हमने आपको इनकी जो रेसिपी है मनीष ने शेयर की है। मनीष बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हाँ सर, कि आपने इतना कॉन्फिडेंटली हमें बताया। पहले थोड़े नर्वस हो गए थे मनीष, लेकिन इतने कॉन्फिडेंटली इन्होंने इतनी अच्छी वाली ये चटनी बता दी है। इसको ठंडा होने के बाद लेंगे ना? जी सर। यार वक्त आ गया, अब मैं खाऊंगा पानी पूरी और आप देखते हैं गोलगप्पा पुचका पानी पूरी जो भी आप कह रहे हैं, आई बी हैविंग इट एंड उसका रिव्यू मैं देता हूँ। आप देखते रहे माई काइंड ऑफ प्रोडक्शन। सो गाइस व्हाट टाइम इज इट, इट्स माय फेवरेट टाइम जब मैं जैन सब कुछ की पानी पूरी ट्राई करूंगा और आपको बताऊंगा उसका पूरा रिव्यू दूंगा। अरे बट बिफोर दैट अंदर की स्टफिंग का आप पूछ रहे हैं, तो वो बॉइल्ड पोटैटो और ये भीगी हुई बूंदी और ये हल्का सा उबाल देते हैं ना। ओके ये मूंग है, सो ये स्प्राउट जो है इसको हल्का सा उबालते हैं, तीनों को मिक्स करते हैं और फिर उसमें चटनी या फिर तीखा पानी डाल के देते हैं। मेरा पहले तीखा पानी आप टेस्ट करा रहे हो? ओके सो लेट्स सी तीखा पानी वाली ये पानी पूरी, ये पुचका गोलगप्पा कैसा लगता है। दिस इज़ फॉर यू योर मॉम एंड योर अप्पा, दिस इज गोलगप्पा। ओके आई विल बी ट्राइंग इट। वाओ फैंटास्टिक भाई, फुल एनर्जी आ जाती है मनीष खाने के बाद। इनका पानी इतना बढ़िया है, तीखा है, चटकदार है, खटास भी है। अच्छा बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है कि आंखों से पानी निकल जाए, तो मज़ा आएगा। और जैसे कि एकदम ही परफेक्ट, आप मीठा भी बनाओ और रेडी है क्या बात है। सो अब इसे ट्राई करते हैं, आप ट्राई करोगे? आ करो, आ मैं खा लेता हूँ। वाओ मज़ा आ गया यार। जो बच्चे खास करके मिठाई खाते हैं, और मैं आपको बता दूं इन्होंने इनके मीठे पानी में आमचूर का इस्तेमाल किया, आम का, और मुझे ये आम वाली जो मीठी चटनी है खजूर वाली से ज़्यादा बेटर लग रही है, क्योंकि मिठास के साथ एक खटास भी दे रही हैं और मिठास और खटास को बना देता है एकदम ही झकास। और यही झकास पानी पूरी अगर आपको खाना है तो फिर आपको जैन सब कुछ आना है, नेक्स्ट टू इन ऑर्बिट इन मलाड। ऑलराइट एंड इफ यू कैन नॉट कम देन आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मनीष ने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई काइंड ऑफ प्रोडक्शन एंड हैप्पी फेस्टिवल सीजन। आई एम श्योर मेहमान बहुत ज़्यादा तारीफ करने वाले हैं। एंड मनीष तुमने रोका क्यों है भाई, बनाते रहो मैं खाते रहूँगा। ऑलराइट और ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा। ओहो हो कितने की मिल जाती है एक प्लेट? 50 रुपीज़ की प्लेट मिल जाती है। बिस्लरी का पानी है, टेंशन नहीं लेना है, इधर ही आना है और खाना है। एंड विद दिस मोहसिन खान साइनिंग ऑफ, टेक केयर। एंड आफ्टर यू फिनिश ऑफ द पानी पूरी, ऐसे आपको ये मसाला पूरी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, हो जाती है आपकी सारी तमन्नाएं पूरी जब आप खाते हो ये मसाला पूरी। हाँ।